झारखंड में धनबाद लोकसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। वजह है यहां से बीजेपी के उतारे गए उम्मीदवार ढुल्लू महतो, जिसका खुलकर विरोध कर रहे हैं जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय। सरयू राय ने सोशल मीडिया साइट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढुल्लू महतो पर कई सवाल उठाए। सरयू राय को लेकर प्रिंस खान की धमकी भरा ऑडियो भी इस समय खूब चर्चा में है। इन सब के बीच अब विधायक ने यह तक ऐलान कर दिया है कि वह ढुल्लू महतो को हराने के लिए कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही झारखंड का राजनीतिक समीकरण हर बार नया मोड़ ले रही है। ऐसे में सरयू राय के इस ऐलान के साथ ही अब सभी की नजरें कांग्रेस के अगले एक्शन पर टिकी है। दरअसल सरयू राय ने कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिलता है तो वह धनबाद से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं सरयू राय ने यह भी कहा कि कांग्रेस यदि किसी साफ छवि वाले नेता को मैदान में उतारती है तो उनका समर्थन भी रहेगा। हालांकि कुछ दिनों पहले से ही चर्चा थी कि सरयू राय धनबाद लोकसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से जुड़ी चर्चा से साफ इनकार कर दिया था। वहीं यह माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान सरयू राय के इस प्रस्ताव पर विचार जरूर करेगी। सरयू राय ने कांग्रेस विधायक दल के नेता को बात कर पूरे मामले की जानकारी दी है। इस मामले पर विधायक दल के नेता का कहना है कि सारी जानकारी आलाकमान को दे दी गई है। धनबाद में सब कुछ देखते हुए ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। वह आगे कहते हैं कि भाजपा को हराना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। वही माना जा रहा है कि कांग्रेस 2 से 3 दिनों में अपने बचे हुए 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। ऐसे में धनबाद सीट का समीकरण किस ओर जाएगा? क्या कांग्रेस सरयू राय का प्रस्ताव स्वीकार करेगी या फिर पहले से जिन नामों पर चर्चा थी उसी पर अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी? यह कह पाना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में धनबाद लोकसभा सीट की पहेली जल्द ही सुलझ जाएगी। हाल की कुछ घटनाओं के बारे में आपसे बात करनी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी है धनबाद लोकसभा से एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, और मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि इनके ऊपर 49 मुकदमे संगीन आपराधिक धाराओं में 49 मुकदमे दायर हैं। इन सभी मुकदमों की सूची मुझे लगता है कि आपके पास 1-2 मिनट के भीतर सॉफ्ट कॉपी के रूप में पहुंच जाएगी। और ये जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों में करीब करीब 21 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 धारा लगी हुई है। उसके अलावा भी कई धाराएं हैं। 13 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें 384-85 जो CRPC की धाराएं हैं, रंगदारी मांगने का, लोगों को परेशान करने का, ये लगा हुआ है। और 15 मामले ऐसे हैं जिसमें आर्म्स एक्ट लगे हुए हैं। इसमें से 4 मुकदमों में, जिनकी सूची मैंने दिया है, 4 मुकदमों में इनको 3 में 1-1 साल की और 4 में 1.5 साल की सजा हो गई। अब ये चुनौती दे रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ और मैं क्रांतिकारी हूँ, मजदूरों की लड़ाई लड़ता हूँ। कोर्ट ने जिनमें सजा दिया है 4 मुकदमों में, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। तो उम्मीदवार से कोई सवाल पूछने का मतलब नहीं है। और मेरी चुनौती है कि भाजपा के जो नेता हैं, संगठन महामंत्री हैं, उनके अध्यक्ष हैं, ये इसका जवाब दे दें। तो ये इनके मुकदमों का है। और हाफ सेंचुरी हो गया, 50वां मुकदमा इनके खिलाफ कल कृष्ण अग्रवाल ने, इनको प्रिंस खान ने और इन्होंने धमकाया था, उसने किया हुआ। भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर इन्होंने फ़ोन पर उनके साथ जो भी कहा वो सभी ऑडियो वायरल हुआ है, आप सभी के पास है। जैसे सबों का उपयोग किया, प्रिंस खान का भी जिक्र उसमें आया। अब उसके बाद प्रिंस खान ने कल एक और ऑडियो जारी किया। ऑडियो में आवाज़ तो प्रिंस खान की है, क्योंकि वहाँ जो पहले सीनियर SP रहे थे, मैंने उनसे पूछा, DIG उनका है, अभी जो SP उनसे पूछा, कई पुलिस अधिकारियों से, थानेदारों से मैंने पूछा, आवाज़ जो उन्होंने कहा कि आवाज़ उसी की है, आवाज़ तो उसकी है मगर स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया है प्रिंस खान को,
जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि कृष्णा अग्रवाल से जिस भाषा में बात किया भाजपा के उस उम्मीदवार ने, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं प्रिंस खान, उन दोनों में बड़ी कॉमन है और दोनों के स्क्रिप्ट में भी साम्यता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। और जो उम्मीदवार योग्य ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसको भाजपा ने दिया कि जब आज भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा। मुझे धनबाद से लड़ने की चुनौती अगर प्रिंस खान ने दिया होगा तो मैं उसका जवाब देता, वो तो इसकी धमकी नहीं दे रहे हैं। एमपी चुनाव में और एमपी चुनाव के साल दो साल पहले से धनबाद की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं वे परिस्थितियाँ इसका कारण हैं। और हमारे कई साथी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने दौरा किया है धनबाद का, बोकारो का, सभी विधानसभा क्षेत्रों का। मैं भी जब धमकी मिली कृष्णा अग्रवाल को तो उनसे मिलने गया, उनके साथ खड़ा हुआ, मैं भी घूमा भ्रमण किया। लोगों की मांग है, लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूँ। मैंने इनसे ही कहा, इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, भाजपा के लोगों ने कल अपनी मीटिंग में मजाक उड़ाया, क्योंकि मैंने कहा था ये मेरे पास पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि मैं चुनाव में खुद जाऊँ, आप धन की व्यवस्था करा दें, तन मन धन के साथ मुझे पुकारें, आप पुकारेंगे मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मैंने कहा है उनको। और मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया अलायंस है इसमें ये सीट कांग्रेस को मिली है, और मैंने अपनी बात कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब सहित कई लोगों को पहुँचाया है, ये सीट आपके कोटे में है, आप हर बार उम्मीदवार खड़ा करते हैं, हर बार उम्मीदवार आपका हारता है, इस बार भी खड़ा करेंगे, हारेगा, आप समर्थन दीजिए। मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो या मैं हूँ, आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम लोग इस सीट को जिता लेंगे। तो इसलिए मैं वहाँ ना में है हूँ ना हाँ में, और हमारे साथी बैठे हैं और वहाँ भी एक टीम बनी है, ये लोग लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, संसाधन के बारे लोग आश्वस्त कर देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। दूसरा कि मुझे इसी में नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा। हमारे मित्रों ने एक पार्टी बनाई है, बहुत जाना होगा तो उसी पार्टी के साथ जाएंगे। सर इसी में सर मिथिलेश ठाकुर जी जो कि पार्टी के पदाधिकारी है, उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी को भी इंडिया अलायंस के साथ लेकर आए, फिर समर्थन से विचार होगा। अगर उनका ये कहना है तो इसके बारे में उनसे बात करूंगा, अगर उन्होंने कहा है जी तो मिथिलेश जी से मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने उनके नेताओं के सामने भी रखा है कि आज धनबाद के जनता की सबसे बड़ी सेवा है कि इस तरह का एक युगांत व्यक्तित्व खड़ा हो गया है, उसको किसी तरह से संसद में नहीं पहुंचने देना। मैंने वहाँ भी कहा है, मैंने सभी से बात किया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात किया है, यही क्या मजबूरी थी। और बाबूलाल जी कहते हैं कि सब हेमंत ने कराया है, तो हेमंत सोरेन तो 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2012 में मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय के मुकदमों में सजा हुई है, किसने कराया है? बाबूलाल जी ने कराया है, अर्जुन मुंडा जी ने कराया है, इन मुकदमों को किसने कराया है? इसलिए बाबूलाल जी इस बात को उठाएंगे सार्वजनिक तौर पर तो उनका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे इस मामले में। इंडिया अलायंस के साथ आने की जो बात उन्होंने ऑफर दिया है, पार्टी इंडिया अलायंस के साथ आए तो धनबाद में आपके समर्थन पे विचार होगी, तो उस अलायंस में आप चाहेंगे? तब मैंने कहा ना कि मैं उनसे बात करूंगा इसके बारे में, इसके बारे में बात करूंगा या आपके माध्यम से मुझे सूचना मिलेगी। आपको क्या लगता है कि एकमात्र आप ही हैं जो भूमि महत्व को